नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजातरीन खबरों पर। भोपाल, राजधानी के शक्तिनगर स्थित सुभाष खेल मैदान में मातृभाषा मंच मध्य प्रदेश के तत्वाधान में 2 दिवसीय मातृभाषा समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें बच्चों, महिलाओं, युवाओं द्वारा आकर्षक प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। वहीं कार्यक्रम स्थल पर लोकप्रिय पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए गए। मंच के संयोजक अमिताभ सक्सेना ने बताया कि समाज में मातृभाषा के व्यवहारिक उपयोग को बढ़ाने और इस अभियान को गति देने हेतु भोपाल नगर में वर्ष 2018 से मातृभाषा समारोह लगातार मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान काल में अपनी मातृभाषा के व्यवहारिक प्रयोग को बढ़ाने, उसके द्वारा अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत की धरोहरों का सहज कर उसे नवीन पीढ़ी को सौंपने की आवश्यकता है। मातृभाषा के महत्व को अंतर्राष्ट्रीय जगत ने भी मान्यता प्रदान की है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रत्येक वर्ष की 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया है, जिसे आगे बढ़ाने के लिए मातृभाषा मंच द्वारा समय समय पर ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं। जी सर, 2 दिवसीय एक कार्यक्रम रखा गया है, किस तरह का आयोजन है सर? ये मातृभाषा मंच का आयोजन है, जो प्रतिवर्ष हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर करते हैं, जो कि यूएनओ द्वारा 21 फरवरी के दिन घोषित किया गया है। ये 2 दिन के अवसर पर, इस समारोह के अवसर पर भोपाल में रहने वाले सभी भाषाई परिवारों के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जो कि उनकी भाषाई झलक और संस्कृति की झलक देंगे। साथ ही साथ उनके जो पारंपरिक व्यंजन है उसके भी स्टॉल्स यहाँ पर लगाए जाएंगे, जिससे पूरा वो भाषाई क्षेत्र यहाँ पर एक साथ उपस्थित होगा, यानी पूरा भारत यहाँ पे 2 दिन तक रहेगा। कहाँ कहाँ से लोग आए सर? आखिर तो सब भोपाल के ही लोग हैं, बाहर से भोपाल से कोई नहीं आया है, लेकिन समाज के लोग जितने भी भाषाई परिवार हैं, लगभग 20 भाषाई परिवार यहाँ पे थे, जो अपने क्षेत्र छोड़ के कभी भोपाल आ गए थे, जो अपनी मातृभाषा को अभी भी बचाए हुए हैं, वो सब भोपाल के हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।